आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। चित्तौड़गढ़ के पीजी महाविद्यालय परिसर में एबीवीपी के छात्रों द्वारा इसी महीने एक छात्र के जन्मदिन के अवसर पर सरस्वती माता की प्रतिमा के सामने बर्थडे केक काटने और अंडे फेंकने के मामले में आखिरकार महाविद्यालय प्रबंधन ने की कार्रवाई। 3 छात्रों को 15 दिन के लिए किया निष्कासित और 9 छात्रों को दी चेतावनी। महाविद्यालय में एबीवीपी के छात्र संघ अध्यक्ष की मौजूदगी में बर्थडे केक काट कर अंडे फेंकने का मामला सामने आया था। उसके बाद NSUI ने इसको लेकर कॉलेज प्रबंधन और पुलिस से इसकी शिकायत की थी। उसके बाद महाविद्यालय प्रशासन ने 3 छात्रों को 15 दिन के लिए निलंबित किया है। आपको बता दें कि लगभग 15 वर्ष बाद इस तरह का मौका आया है कि जब महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे किसी छात्र को निलंबित किया गया है। ये शिकायत हमको प्राप्त हुई थी, उसके बाद में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति ने सभी पक्षकारों को बुलाया, बातचीत करी, उनसे फैक्ट्स जो हैं ये पता किए। उसके बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया कि वास्तव में 11-12 बच्चे ऐसे थे जो इस घटना में सम्मिलित थे, और बच्चों ने बहुत शर्मिंदगी महसूस करी। उन्होंने माफ़ी मांगी, भविष्य में ऐसा नहीं करने का हमें आश्वासन दिया है। ऐसी स्थिति में हमने 3 मुख्य जो बच्चे थे जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे उनको 15 दिन के लिए आज सस्पेंड किया है, और बाकी 9 बच्चों को हमने चेतावनी पत्र जारी करके भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए चेताया। छात्र संघ अध्यक्ष एक्चुअली छात्रों का नेता है, और इस नाते उसे उस वक्त बुलाया गया था, और वो नेता के होने के कारण से ही वहाँ पर पहुँचा था। कुछ पल रह करके वो वहाँ से चला गया, ये बात सभी छात्रों ने एक मत से स्वीकार किया। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।